चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वायर इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए कैरीज अ करंट आई, देन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर वायर इज कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा, ये एक स्क्वायर मान लो साइड ए है, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई एम्पियर की। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो इसका जो सेंटर होगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, सेंटर ओ मान लेते हैं, इस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी ये निकालना। तो सबसे पहले एक फाइनाइट लेंथ का वायर है मान लो ए बी, और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जो कि आर डिस्टेंस पे है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी ये डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, ये डिस्टेंस है आर, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस आर है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई एम्पियर की और डिस्टेंस आर है, तो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये डेरिवेशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, फाइनाइट लेंथ के वायर में करंट आई एम्पीयर की फ्लो हो रही है जो एक इंड पे अल्फा एक इंड पे बीटा बना रहे हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इस सिचुएशन में अगर मैं यही चीज अप्लाई करूं तो ये एंगल 45 होगा, अल्फा 45 बीटा भी 45, तो इस एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आप निकालोगे। और ध्यान रखो दूसरे वायर की वजह से, जैसे मैं इस वायर को नाम दे दूं ए बी सी और डी, ए बी सी डी, ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा, बी सी वायर की वजह से भी इनवर्ड होगा, सी डी वायर की वजह से भी इनवर्ड होगा और डी ए वायर की वजह से इनवर्ड होगा। तो चारों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड जुड़ती चली जाएगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ कितना होगा, एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, मान लो पहले वायर ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली, उसका चार गुना कर दो ओट है, क्योंकि सभी सेम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। तो अब अगर ए बी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बात करें और इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, तो देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4π, डिस्टेंस कितनी है, ए बाई टू होगी, अगर ये ए है तो ये ए बाई टू होगी, ए बाई टू इंटू साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 प्लस साइन 45 कितना होता है, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2, सो म्यू नॉट आई बाई 2 से ये 2 कटेगा, 2πa, 2/√2, 2 से 2 कट गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई रूट टू पाई इंटू ए, ये वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू 4 म्यू नॉट आई बाई रूट टू पाई इंटू ए। 4 कहाँ है, ऑप्शन 4 है ऊपर, 4 ऊपर नहीं है, तो क्या करो रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 4 म्यू नॉट आई बाई रूट टू से करोगे तो ये ऊपर रूट टू आ जाएगा, नीचे ये रूट टू टू हो जाएगा, 2π इंटू ए, तो 2 से 2 कट गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, तो मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 रूट टू म्यू नॉट आई बाई पाई इंटू ए। देखो ये ऑप्शन है क्या, तो रूट टू है यहाँ, हाँ यहाँ पर 2 रूट टू है, म्यू नॉट आई है, हाँ पाई इंटू ए है, ठीक है करेक्ट है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।